बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के जीवन को खतरे में देखते हुए राज्य सरकार ने उनके प्रवास और आवागमन के दौरान पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। वही केंद्रीय गृह मंत्रालय के कंगना रनौत को सीआरपीएफ द्वारा सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्णय लिया है, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद इकाई मंडी के जिलाध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार का धन्यवाद किया है। मानते हुए इस चीज को गलत मानते हुए विश्व हिंदू परिषद जो है वो भी मैदान में जो था वो कंगना रनौत की फेवर में आ गई, और हमारे जो प्रांत अध्यक्ष अलेख राज राणा जी उनका कल बयान जो था वो मीडिया में भी लगा और उन्होंने खुलकर समर्थन किया कंगना रनौत का, उनकी सोच का और उनके विषयों का जिस विषयों को लेकर वो बयान दे रही है। और उन्होंने ये मांग भी की थी विश्व हिंदू परिषद के प्रांत नेतृत्व ने और अलग से जो हिमाचल में अलग से संस्थाएं कई हैं, संगठन हैं, कार्य कर रहे हैं, सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने भी ये सरकार से मांग की थी कि जिस तरह से आप ये देखिए आधिकारिक तौर पर उसको जो है वो धमकियां मिल रही हैं, सरकार की तरफ से धमकियां मिल रही हैं कि तुम जब बॉम्बे में आओगी तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और उनके जो ग्राउंड वर्कर हैं शिव सैनिक हैं, शिव सैनिक का जो महिला विंग है वो उसके पुतले जला रहे हैं, उसके पोस्टर्स पे रिएक्ट कर रहे हैं गलत तरीके से और गलत स्लोगन बोले जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से वहाँ एक डर का माहौल बन गया था, वहाँ उसके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, उसको महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ जोड़कर इन विषयों को, जबकि वो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं और पुलिस कार्यप्रणाली और सरकार की कार्यप्रणाली से जुड़े हुए हैं, उसका महाराष्ट्र की अस्मिता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विषय को डाइवर्ट करने के लिए सरकार इस तरह से कर रही है और शिव सैनिक इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रांत नेतृत्व ने भी और हमारे सभी संगठनों ने ये मांग की थी कि उसको जो है वो पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए हिमाचल में भी और जहाँ जहाँ भी वो जाए और महाराष्ट्र में भी। तो हमारी ये मांग जो है वो राज्य सरकार द्वारा भी मान ली गई है और मुझे इस बात की खुशी है कि केंद्र सरकार ने भी हमारी इस मांग को विषय की गंभीरता को समझते हुए उसे वाई लेवल की जिसमें सीआरपी के जो कमांडोज हैं जवान हैं वो तैनात रहते हैं और एक दल जो है वो डिप्टी कमांडेंट के नेतृत्व में 9 तारीख को भुंतर एयरपोर्ट पर पहुँच रहा है क्योंकि उनका मनाली से एयरपोर्ट से जो है वो बॉम्बे जाने का कार्यक्रम है। तो हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से भी कमांडो जो है वो भारी संख्या में उनके साथ तैनात रहेंगे जहाँ जहाँ भी वो जाएगी इन विषयों को लेकर उसको सुरक्षा प्रदान करने के विषय पर और हमारी मांग को जो है उसको ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण समझते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके लिए मैं केंद्र सरकार का भी और हमारी जयराम सरकार का भी हिमाचल सरकार का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार जो है इस विषय को इसी तरह आगे भी कंगना रनौत के लिए समर्थन देती रहेगी और हमारा संगठन तो जो है वो